हुती विद्रोहियों पर अमेरिका की कड़ी चेतावनी का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन और जापान सहित कुल 13 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर हुती विद्रोहियों को चेतावनी दी कि अगर उसने लाल सागर में जहाजों पर हमला नहीं रोका तो उसे गंभीर परिणाम भुगतना होगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने इसे हुती विद्रोहियों के लिए लास्ट वार्निंग तक बताया था। इधर संयुक्त बयान जारी होने के ठीक एक दिन बाद ही हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में वाणिज्यिक शिपिंग लेन पर एक नाव में विस्फोट कर दिया। लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की शुरुआत के बाद से हुती विद्रोहियों द्वारा इस तरह के मानव रहित हथियारों का उपयोग करने का ये पहला मामला बताया जा रहा है। हालांकि इस विस्फोट में किसी भी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने किसी भी तरह का नुकसान न होने के बावजूद इस घटना को अमेरिका के लिए चुनौती बताया है। इस हमले को लेकर और हुती विद्रोहियों को दी गई अमेरिकी चेतावनी से जुड़े एक सवाल के जवाब में अमेरिकी अधिकारी जॉन किर्बी ने अपनी चिंता और प्रतिबद्धता जाहिर की। हुती जो लाल सागर में कर रहे हैं उसको लेकर हम और हमारे 12 अन्य सहयोगी चिंतित हैं। हम इन हमलों को और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम अपने हितों की रक्षा के लिए वो सब करेंगे जो हमें करने की आवश्यकता है और हूती विद्रोहियों को इसके अंजाम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में जहाजों पर हमले के चलते कुछ शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर के रास्ते को छोड़ दिया है। कुछ जहाज अफ्रीका के रास्ते अपनी वाणिज्यिक यात्रा कर रहे हैं। ये रास्ता करीब 7000 किलोमीटर अधिक लंबा पड़ता है, जिससे माल ढुलाई महंगी पड़ती है और समय भी काफी ज्यादा लग रहा है। जान लेते हैं कि आखिर हुती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना क्यों बना रहे हैं। दरअसल इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में हुती विद्रोही गाजा और फिलिस्तीनियों के समर्थन में है। यही कारण है कि हुती विद्रोही यमन के अपने कब्जे वाले इलाकों में लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को अपना निशाना बना रहे हैं।